कैंट थाने की पुलिस ने अपनी माता का इलाज करने गए हॉस्पिटल में चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान हरिशंकर जायसवाल पुत्र राजेंद्र जायसवाल निवासी रामपुरा बाजार थाना जंघा जनपद गोरखपुर हाल पता ग्राम सेमरा थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी के 4,65,437 रुपया, घटना में प्रयुक्त लोहे का सब्बल, एक मंकी कैप, प्लास्टिक का झोला, एक शर्ट बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि वादी मुकदमा द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध न्यू उदय मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड के अलमारी के ड्रॉज में रखा 9,37,000 रुपया चोरी कर लेने के संबंध में दिए गए तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि मैंने अपनी माँ का इलाज न्यू उदय हॉस्पिटल गांधी गली में 7 मार्च से दिनांक 14 मार्च तक कराया था। उसी समय मैंने हॉस्पिटल में अकाउंट शाखा व आने जाने के रास्ते के रेकी किया और चोरी करने का प्लान बनाया तथा दिनांक 30 मार्च को शाम को कैंप व एक जैकेट लेकर घुस गया और सबसे ऊपर के हाल में छिप गया तथा रात्रि में करीब 1 बजे अकाउंट शाखा का ताला दरवाजा व अलमारी को सब्बल से तोड़कर अलमारी में रखा रुपया उसी प्लास्टिक के झोले में रखकर मंकी कैप व जैकेट पहनकर रुपये लेकर भाग गया। रुपये को तथा लोहे के सब्बल को उसी झोले में रखकर मैंने रामपुर नई बाजार में अपनी दुकान में रखा था तथा पहचान छुपाने के लिए बाल व मूछ मुड़वा दिया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्र, वरिष्ठ उप निरीक्षक शेर बहादुर यादव, राजवंश सिंह, नितिन श्रीवास्तव, हेड कांस्टेबल धीरज सिंह, वीरेंद्र तिवारी, कांस्टेबल संजीत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना कैंट अंतर्गत एक न्यू उदय हॉस्पिटल है, वहाँ पे 30 तारीख की रात को 4,65,000 रुपये की चोरी हुई थी। उस चोरी के बाद में मॉर्निंग में जब हॉस्पिटल के संचालक अस्पताल में आए तो उन्हें पता चला कि उनकी 3 जो अलमीरा है जिसमें पैसे रखे गए थे वो टूटे हुए हैं। उसके आधार पर उन्होंने थाना कैंट पर तहरीर दी। तहरीर के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं थाना पुलिस द्वारा हॉस्पिटल के सीसीटीवी खंगाले गए और सीसीटीवी खंगालने के बाद में उनको पता चला कि एक व्यक्ति लेट नाइट साइकिल से अंदर जा रहा है और उसके बाद में अपना वो पूरा हुलिया बदल लेता है चोरी करने के बाद में और उसके बाद में वापस चला जाता है। इसी आधार पर, शक के आधार पर पुलिस ने गोलघर के चक्कर में से निकलने वाले सभी लोगों का फुटेज वगैरह चेक किया। फुटेज चेक करते करते पूरे गोलघर एवं रेलवे स्टेशन तक के फुटेज चेक किए गए, उसके आधार पर इस व्यक्ति का हुलिया क्लियर हुआ। हालांकि इस व्यक्ति ने अपना बाल और अपनी मूछ मुंडवा ली थी घटनाकारित करने के बाद में और विंड शीटर और मंकी कैप भी पहन के अपना हुलिया छुपाने का प्रयास किया, लेकिन थाना कैंट द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। अभियुक्त जायसवाल, अभियुक्त हरिशंकर जायसवाल के पास से 4,65,437 रुपया और जो घटना में प्रयुक्त जो कपड़े हैं मंकी कैप वगैरह, विंडशीटर, गुलाबी शर्ट वगैरह, वो सब बरामद किया गया है। उसके साथ साथ ये भी उल्लेखनीय है कि इस व्यक्ति ने इस हॉस्पिटल में 7 तारीख से लेकर 14 मार्च तक अपने माताजी का ट्रीटमेंट करवाया था और तभी इस व्यक्ति ने हॉस्पिटल की रेकी की थी और रेकी के बाद में ये मन बना लिया था कि इसी हॉस्पिटल में मुझे चोरी करनी है और उसी चोरी को उसने 30 तारीख को अंजाम दिया था। और इस अभियुक्त पर पूर्व में थाना शाहपुर खोराबार चोरी चोरा गगा में चोरी के मुकदमे दर्ज है। ये अकेला चोर है और ये इसका मोटर सेपरेंट ही अकेले ही चोरी करता है। थैंक यू। जिस कांस्टेबल जिसका सबसे महत्वपूर्ण बीपीओ का रोल रहा है सीसीटीवी चेक करने वगैरह, उसको एसएसपी महोदय द्वारा 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने का घोषणा किया है। थैंक यू।